कोतवाली पुलिस की टीम ने बुधवार देर रात मेट्रो टॉकीज की गली के एक मकान में दबिश देकर लाखों रुपए का क्रिकेट सट्टा पकड़ा है। मामले में पूर्व भाजपा पार्षद के 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात इन्हें छुड़ाने के लिए कई भाजपा नेता पुलिस अधिकारियों से संपर्क करते रहे। बुधवार रात करीब 10 बजे CSP विनोद मीणा को मेट्रो टॉकीज की गली के एक मकान में IPL का सट्टा होने की जानकारी मिली थी। CSP मीणा कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी और उनकी टीम ने इस मकान पर छापामार कार्यवाही की। मौके से 3 युवक मयंक तिवारी, राज तिवारी और ललित तिवारी को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से 9,97,000 रुपए, 9 मोबाइल फोन, हिसाब की डायरी और सेटअप बॉक्स जब्त किया गया है। मयंक तिवारी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा है। इनके पास से मिली डायरी में भी पुलिस को लाखों रुपए का क्रिकेट सट्टे का हिसाब मिला है। आज हमको एक मुख्य सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध IPL सट्टा कर रहा है। जब हमने उसको पकड़ा तो उसके पास एक ID हमको मिली कि वो उस ID पे सट्टा उतारा करता था, तो वो एक मास्टर ID के से ऑपरेट करता था। तो जब हमने जब उस मास्टर ID के फ़ोन नंबर की जांच की, उसकी लोकेशन प्राप्त की, तो उसकी लोकेशन आ रही थी मेट्रो टॉकीज जो है हमारा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर, उसके सामने वाली गली में राज तिवारी करके जो व्यक्ति है वो इसको संचालित कर रहा था। तो जब हमने दबिश दी इनके घर पे अंदर जाके, तो दबिश में हमें 6 मोबाइल मिले जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में एविडेंस थे कि जैसे लाइन खुली हुई थी इनके अंदर। उसके अलावा हमें नोटबुक्स भी मिली जिनके अंदर इन्होंने हिसाब किताब लिख रखा था। इसके अलावा हमने एक बड़ा टीवी भी इनका जब्त किया है। उसके अलावा जो नकदी राशि हमें इनके घर से मिली वो 9,97,500, लगभग 10 लाख रुपए हमें इनके घर से नकद बरामद हुए। तो फिर हमने इनको गिरफ्तार किया और अभी मामला ये कार्यवाही क्राइम ब्रांच ने की है और अभी इस मामले की लिखापढ़ी कोतवाली थाने के अंदर की है।